हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मैं विशाल, आप सबका स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाया करे जब भी हम कोई नई वीडियो बनाया करें। तो दोस्तों, आज की जो ऐप है बहुत अमेजिंग है। आज की इस ऐप के लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस ऐप के फ़ायदे क्या है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, क्या होता है, शॉर्टकट का नाम सुना होगा आपने। ओके दोस्तों, शॉर्टकट आइकन जो होता है हमारे डेस्कटॉप में होते हैं, उनका काम क्या होता है, आप जैसे कि शॉर्टकट आप डायरेक्ट तरीके से, यानी कि डायरेक्ट उन पर क्लिक करके उस एप्लीकेशन को या फिर उससे रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन हो या फिर जो भी हो उसे आप खोल सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें आपको एंड्रॉयड में, यानी कि अगर आपको क्रिएट करने का मौका मिले तो कितना सही हो जाए शॉर्टकट। अब देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन का तो शॉर्टकट होता है, आपकी स्क्रीन पे जो एप्लीकेशन शो होती है उसे क्लिक करके आप खोल लेते हैं। लेकिन ये एप्लीकेशन क्या करती है, उसके अलावा बहुत सारी सेटिंग्स को उनका शॉर्टकट्स आप बना सकते हैं यहाँ पे। ओके दोस्तों, जैसे कि ऐप्स का ऑप्शन दे रखा है, ऐप्स के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सारी ऐप्स आ जाएंगी, और उन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप उनका आइकन यानी कि शॉर्टकट आइकन आपको मिल जाएगा, आप इन पर क्लिक करके बना सकते हैं। लेकिन हमें ये आइकन अगर आप बनाना चाहें तो देखिए, मैं इस पर 8 बॉल पूल पर क्लिक करता हूँ और क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करता हूँ। अब ये क्रिएट हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए ये यहाँ पे आ गया, एक ऑलरेडी यहाँ पे था लेकिन ये यहाँ पे भी एक और आ गया। अब दोस्तों बात करते हैं मेन यूज़, ये एक्टिविटीज़ पे भी लग जाता है, यानी कि एक्टिविटीज़ पे शॉर्टकट लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। एक्टिविटीज़ यानी जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, हॉटस्पॉट खोलना, उससे रिलेटेड सेटिंग, सेटिंग्स के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें, उनका अगर आप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे एरो के साइन है, उन पे जाके आप डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं शॉर्टकट आइकन। इसके अलावा यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन है, फाइल्स यानी उनके लिए आपको जाना होता है इंटरनल स्टोरेज में, लेकिन वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं शॉर्टकट आइकन उन पर्टिकुलर फाइल्स का। तो अच्छी वेब अच्छी ये ऐप है। ओके दोस्तों, लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे वेबसाइट का ऑप्शन है, वेबसाइट का ऑप्शन यानी कि दोस्तों कितना सही हो जाएगा कि आपको गूगल क्रोम पे या फिर किसी भी ब्राउजर पे ना जाने की ज़रूरत पड़े और आप यहीं से उस वेबसाइट पे जा सकें शॉर्टकट आइकन क्रिएट करके, तो अमेजिंग रहेगी ये ऐप। ओके दोस्तों, यूज़ कीजिएगा, मज़ा आएगा अगर आप इस ऐप को यूज़ करेंगे तो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा इस एप्लीकेशन की। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।